आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिल्ली वैरायटी न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ अली सर। जी हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के पुंजवा इलाके में, जहाँ पे तकरीबन दोपहर के 1 बजे एक मकान जो आग की लपेट में आके खाकस्तर हो चुका है। अगरचे मुकामी लोगों की बात की जाए, उनके कहने के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर गैस सिलेंडर फटने की वजह से जो ये मकान है, मोहम्मद अमीन शेख जो के अपजवा विलगाम में, इनका मकान जो है आग की लपेट में तब आया जब एक गैस सिलेंडर फट के आग नमोदार हो गई और उसके वजह से ये मकान जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये खाकस्तर हो चुका है। लोगों से जब हमने बात की यहाँ पे, लोगों का भी यही कहना है कि हमने उसी टाइम जो लोग हैं ये यहाँ पे जाए मुकाम पर पहुँचे और इन्होंने जल्द से आग बुझाने की कोशिश की, ताहम फिर इन्होंने फायर एंड एमरजेंसी से बात की और वो यहाँ पे जाए मुकाम पे पहुँच के और आग को बुझाया गया। इसके हवाले से हम यहाँ के जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत रही, कैसे ये जो आग है ये नमोदार यहाँ पे हुई। क्या शुना गुलाम सर, क्या मामलों को किन साथ लोग गैस मोट फटने सत्य गुत अमी मूजूब ये नार लोग कस बजे गो तक यह दून आग गुत फायर एंड एमरजेंसी सर्विस पत कर्क तुम फोन वो तुम लोग थोड़ा टाइम तीस का सोचे खत्म गुमत खत्म खत्म मतलब तुम वन लेट लेट। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जो है वो हमेशा की तरह आज भी यहाँ पे लेट पहुँची है। हालांकि अगर बात की जाए जो फायर एंड एमरजेंसी विलगाम सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, सोचम तो नार लोग करीब दून अख तो यह गो सिलेंडर डैमेज सिलेंडर ये मकान मन ऊपर पेट बैटरी आज इन्वर्टर बैटरी तो हेर गए सिलेंडर अख तो बैटरी बन गए बे सिलेंडर सर तो नुकसान गो वारिया नुकसान अख पलो बचाव ना सर कि यमस मे पितर बोई जो तुम पारा तो कि पोस ते गए डैमेज तिंद काकज डोमिसाइल वगैरह यम सारी काकद गए सर ये हूँ तुम पान पोस वह सर अकिस मजन बिहार बिहार नफर तमिस ते गए पोस डैमेज अस गए पनस घर मस पोस आए रात अकिस पेची सर्जरी तम खुद पोस थे सर तो नम पोस लग भग गए 30,000 रुपये थे अमी मूजूब तेज तमिस सर्जरी सर तो अस थे तमी मूजूब वालो पोस तम पोस ते दी सर सर तो वो तुम अड़ फैमिली मेम्बर तुम सी हस्पताल अड़े कम कम दह वम दह सर पान तम तो पत् कोर हमसाय वमसाय बे वो नेटस अस लगे बत खेन कम पे वो नेटस ते पत आयस तम वज तो गर खाली शुरू बे जनान मोहन गर बस ये सर सर गोरमेंट सहे अपील सर मे पितर सह जम बह रेत सर सह खाली मजूरी करा सर तुम रेत दिव 7,000 8,000 रुपये तनखा गोरमेंट ये अपील बस कह नत कर मसल सर बस बोड़ चीज मदद सर एरिया पुंजवाद किलोमीटर कुपवारा पे लग भग आज दह वह किलो अर्दा अर्दा वह हर अख बजे नुकसान गो सो अमिस बचान क्या चीज चीज बचास ना अमिस गो नुकसान कहते बचास ना कालु पलो तान गो अमिस सोरे डी सी कुपवारा अमिस करू मदद बिचार अमिस गरीब क्या सो पान बिचो मजूर अयाल बोड़ अयाल अमिस बिचार कुल अयाल अमिस कुल नीचो सुल तक बिचार जबान वबान क्या वो क्या कर बिचो हो नड़ मजूर पे क्या बना आज तुम गोम मदद गो बचे क्या चीज द्रास ना ये कह कुल पलो बचन हिंद पे लड़ीज शड़ीज क्या मीटिंग पलो बिस्तर पलो चीज उस बचार तमुल शमुल थाना तैयार कर वंद इन वो तम बचा क्या फुल बचान क्या चीज मगर बचार जान बचा तो बचो मुश्किल सत्या क्या कर मोहम्मद अमीन शेख की अहलिया हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आग यहाँ पे है नमोदार हुई। और किस बजे लोग ये तो क्या हुआ ये लोग आग बजे लोग ये नार पन कि करे अस कोशिश इन फायर सर्विस वाले फोन करने तम आए लेट अगर तम आए वक्त पे अस मैं बचे कह मगर अस द्रा नाल जट यह नल ती द्रा मापक द्रा ना कह चीज नुकसान कूद मुमरी कमोम तुन दुम अत ये जगार अत मे हेरक बोय बनक बन रान बनक बह रान
یہ گئی خاندار چھ سکت چھ سوز چھ جیم سوز چھ مزور کرا سوز گیا اوترے سوز چھ مزور با میو چھ شور اس بیمار میو دون بچن سرجری کر تا یہ یہ اس اس بات کھا بات اس ہیر بوت نار اس وچ یہ اپیل کہ اس گس بے گسن کھڑا اس گس اتھ پٹ روزن کہ مودانس منز اس گس بے گسن کھڑا اگر یہ خوب خدا کنس اس بجلی والے تو تھمن مصیبت مس اس یوت زمین یوت پرنیس یت اس لک ساس وکینس پچھا کہ من نہ نیم بغیر چھ امس کنجے اخ مال زمین یوس وکینس مصیبت مس امزن مایا بچ اندر کین اندر دای تم نار موجب چلت نبر زن پے لون تو مرہن نس تم بچ نبر کین تو آپ نے جیسے دیکھا کہ محمد امین شیخ کی جو اہلیہ ہے یہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ جو یہاں پہ پوری طرح جو گھر ہے آگ کی لپیٹ میں آ کے خاکستر ہو چکا ہے ہم بھی انتظامیہ سے ضلع انتظامیہ کپوارہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو فوری طور ان کو کچھ نہ کچھ فراہم کیا جائے اور لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے اس اکاؤنٹ پہ بھرپور معاونت کریں تاکہ یہ لوگ بھی اپنی زندگی بسر کر سکیں آپ دیکھتے رہے ڈیلی ویرائٹی نیوز